हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो यार, मेरा नाम है यश और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे आपने किसी भी Xiaomi के डिवाइस में, MI के डिवाइस में, लेकिन Poco के डिवाइस में और K20 के डिवाइस में ये वर्क नहीं करने वाला, क्योंकि आज की वीडियो में आप कैसे Mio 13.5 का सिस्टम लॉन्चर अपने किसी भी Xiaomi के डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हो। आज की वीडियो में यही बताने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार मुझे आपका एक लाइक जो है बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है इस टाइप की वीडियोज बनाने के लिए। तो चलिए यार, बिना कोई वीडियो हम स्टार्ट कर लेंगे। पर एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं बहुत सारे अपडेट्स वगैरह देते रहता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप और नीचे आपको टेलीग्राम चैनल भी देखने को मिल जाएगा कुछ इस टाइप से। इसके लिंक, दोनों के लिंक आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन वगैरह कर सकते हो। और अगर आपको इस विजेट्स वाले सेक्शन पर वीडियो चाहिए तो वीडियो मैं आपके लिए जल्द से जल्द लेके आऊँगा, आप बस मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट। तो अब बढ़ते हैं विजेट सेक्शन की तरफ। सबसे पहले मैं इसको होम स्क्रीन सेटिंग में जाऊँगा। यहाँ पे देख सकते हैं Mio 13 का ही आपको जो इंटरफेस से देखने को मिल जाता है। बाकी देख सकते हैं, सेटिंग में जाऊंगा, मोर में जाऊंगा, तो मोर में जाने के आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले डिफॉल्ट लॉन्चर में आपको हमारा सिस्टम लॉन्चर देखने को मिलेगा। सेकंड में आपको ऐप ड्रॉअर वाली सेटिंग जो कि आपको हमेशा देखने को मिल जाती है। तो नेक्स्ट जो है, आपको होम स्क्रीन सर्च बार का ऑप्शन भी दिया गया, जो कि यार देख सकते कुछ स्टेप्स आपको देखने को मिलता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आपको पसंद आया नहीं कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मैं आपको और भी दिखा देता हूँ आपको और क्या क्या चेंजेस इसमें देखने को मिले। तो जैसे हम वापस इसमें जाएंगे तो सर्च बार के लिए आपको दिख सकते सर्च और गूगल का ऑप्शन दिया गया। बाकी ये मैं 12.5 की चाइना रोम इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए हमको सर्च का भी ऑप्शन दिया गया, बाकी नहीं तो आपको उसी गूगल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है एनिमेशन स्पीड, इसमें आपको तीन ऑप्शन दिए गए, रिलैक्स, बैलेंस और फास्ट। मैं अगर रिलैक्स पर टैप करूंगा और वापस से पैक चले जाऊंगा तो जैसे आपको एनिमेशन कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, एकदम iOS टाइप, बहुत ही ज़्यादा स्लो एनिमेशन, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा लुक में अच्छे लगते हैं। बाकी अगर मैं जाके बैलेंस वाले सेक्शन में जाऊँगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते जैसे मैं अभी बैलेंस वाले सेक्शन में जाऊंगा तो बैलेंस वाले सेक्शन में देख सकते आपको ना एनिमेशन देख सकते थोड़े बहुत फास्ट देखने को मिलते उसी टाइप से, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखने में लगता है। देख सकते कुछ इस टाइप से आपको जो है देखने को मिल जाते हैं। बाकी यार थोड़ा डिस्टर्बेंस वगैरह हो रहा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो हमारा थर्ड जो ऑप्शन है फास्ट, इसमें जाएंगे तो हमको जो एनिमेशन देख सकते बहुत ही ज़्यादा फास्ट देखने को मिलेंगे, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे, लेकिन जो फास्ट वाला ऑप्शन है बैटरी ज़्यादा ड्रेन करता है, इसलिए मेरी मानना तो आप बैलेंस पे ही रखना। बाकी एनिमेशन की ड्यूरेशन हमको स्पीड वगैरह देगी, 0.5 मैं करूँगा, देख सकते हमको बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्पीड देखने को मिल जाते, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखने में लगता है। अगर आपको फास्ट चाहिए तो फास्ट रख सकते हो, बाकी नॉर्मल भी रख सकते हो। बाकी नेक्स्ट हमको तीन ऑप्शन दिए गए, फोल्डर बाउंस इफेक्ट, फोल्डर ब्लर और कंप्लीट ब्लर का। फोल्डर बाउंस इफेक्ट का मतलब देख सकते हैं, जैसे मैं किसी भी फोल्डर में जाऊंगा, फॉर एग्जांपल फोल्डर तो नहीं है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते जहाँ पे आपको फोल्डर ब्लर और कंप्लीट ब्लर का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसके लिए मैं आपको फोल्डर क्रिएट करना होगा। तो सिंपली मैं आपको फोल्डर क्रिएट करके दिखाओ। आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिया, देख सकते हैं फोल्डर का बाउंसी इफेक्ट यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखने में लगता है, देख सकते रियलिस्टिक और बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखने में लगता है। और देख सकते हैं इसमें आपको फुल बैकग्राउंड ब्लर भी देखने को मिलता है और जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट वगैरह हमको एनिमेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद या फिर आपके लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखने में लगते हैं। बाकी देख सकते कंप्लीट ब्लर को मैं ऑफ करूँगा तो शायद से हमारे जो देख सकते ब्लर इफेक्ट है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है, जो कि यार अच्छी बात है, आपको जो अच्छा लगा वैसे छेड़ वगैरह कर सकते हो। देख सकते तीन ऑप्शन दिए गए, फुलर बाउंस इफेक्ट वगैरह। नेक्स्ट है सिस्टम नेविगेशन गेस्चर, अगर आपके में गेस्चर बार नहीं तो आप इस लॉन्चर को जैसे इंस्टॉल करोगे आपको गेस्चर बार का भी फीचर दे दिया जाएगा, जो अगर काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। बाकी डोंट शो टेक्स्ट जैसे मैं फीचर को एनेबल करूँगा और वापस से पीछे चले जाऊँगा, हमको यहाँ पे देख सकते कोई भी टेक्स्ट वगैरह देखने को नहीं मिलता, जो अगर काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखने में लगता है। अगर आपको टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट लगा सकते हो, बाकी मुझे तो टेक्स्ट के साथ ही अच्छा लगता है इसलिए मैं उसको टेक्स्ट के साथ ही लगाऊंगा। देख सकते बाकी आप आइकॉन की साइज़ वगैरह कितनी चाहिए आप ऐसे चेंज वगैरह कर सकते हो। बाकी ग्लोबल आइकॉन एनिमेशन का ओन करके रखोगे तो आपको जो एनिमेशन वगैरह स्पीड वगैरह बढ़ जाएगी। बाकी अरेंज आइटम्स एंड रीसेंट में हमको बहुत ही तगड़े फीचर देखने को मिलते थे, जैसे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल पे सिलेक्ट करने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, स्टैंडर्ड, iOS, क्यूबिक और आपके लिए ओल्ड स्कूल। तो अभी मैं फिलहाल ओल्ड क्यूबिक पे हूँ, देख सकते हैं आपको अल्टरनेटिव iOS स्टाइल एनिम भी देखने को मिल जाता है। तो जैसे आप इसको ऑन करके रखोगे तो आपको देख सकते कुछ स्टेप से, सबसे पहले मैं बहुत सारे एप्लीकेशन अपने रिसेंट सेंटर में लेके आ जाता हूँ, कुछ स्टेप से दिखा देता हूँ मैं आपको। देख सकते मैंने चार या पांच एप्लीकेशन ले लिए है, अब दिखा देता हूँ आपको रिसेंट मेन्यू। देख सकते हमको कुछ स्टेप से क्यूबिक हमको देखने को मिल जाता है, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा सही दिखने में लगता है iOS स्टाइल में। बाकी हमको और भी फीचर देखने को मिल जाता है, जैसे कि देख सकते क्यूबिक के अलावा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा। बाकी देख सकते वापस से मैं उसमें जाऊँगा तो आपको दिखा देता हूँ आपको और क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है।
बाकी आप देख सकते हैं इसमें आपको iOS का फीचर दिया गया है, मतलब जैसे आप करोगे देखते iPhone टाइप आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा सही दिखने में लगता है। आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। और बाकी लास्ट जो हमको देखने को मिलता है वो है ओल्ड स्कूल, देख सकते हैं कुछ इस टाइप से। इसके इस लॉन्चर से रिलेटेड मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, लेकिन वो मैंने ग्लोबल रोम या फिर कह लो इंडियन रोम पर इंस्टॉल की थी इसलिए, लेकिन ये जो है मैं चाइना रोम पर इंस्टॉल कर रहा हूँ। बाकी ये जो है लेटेस्ट अपडेट है वो उससे पहले वाला वर्जन था। ओल्ड स्कूल हमको इस टाइप से देखने को मिल जाता है। बाकी देख सकते हैं आपको ब्लर ऐप प्रीव्यूज का भी ऑप्शन दिया गया है, और नीचे हमको क्रेडिट्स का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं ये है सिपोलो की तरफ से आया, सिपोलो जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम वगैरह करते हैं, बहुत ही अच्छे लॉन्चर वगैरह को हमारे लेके आ जाते हैं। अब मैं आपको दिखा दूँ सबसे अच्छा हमको जो चेंज देखने को मिला है वो है सेट डिफॉल्ट स्क्रीन। देख सकते हैं आपको दो न्यू हमारे जो लेआउट है फुली चेंज कर दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। बाकी वॉलपेपर वाला सेक्शन एज इट इज़ है, और विजेट वाला सेक्शन भी हमको एज इट इज़ देखने को मिल जाता है। बाकी एनिमेशंस वगैरह यार मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। अरे कमेंट सेक्शन खाली रहता है इसलिए भर दो, बोल रहा हूँ भर देना, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो में। बाकी इसको इंस्टॉल कैसे करना है मैं आपको बता दूँ, आपको सिंपली मैं आपको मैजिक्स मैनेजर की फाइल दे दूँगा, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। वहाँ से जाकर देख सकते ये है वो लॉन्चर, आपको सिंपली इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज करके इंस्टॉल कर लेना है। और आपको नहीं चाहिए वापस से आपने इंस्टॉल कर रखा है तो आपको सिंपली यहाँ पे इसको ऑफ करके रिमूव कर देना, फिर आपके में से हमेशा के लिए परमानेंटली रिमूव हो जाएगा, जो कि यार काफ़ी अच्छा दिखने में लगता है ये लॉन्चर, तो मुझे पर्सनली अच्छा लगा। अगर आपको विजेट से रिगार्डिंग वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन भर देना, ठीक है। तो चलिए यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।